एमपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी के संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए वाले बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान में 370 जैसी गलत धारा थी जिसे बदलना चाहिए था, तो उसे कश्मीर की बेहतरी के लिए बदलकर दिखाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने अंदर झांक कर देखें जब वह संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने का परिणाम ही रहा कि तीन तलाक जैसे निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस का अतीत रहा है जब आपातकाल जैसे खराब समय में उन्होंने जिस प्रकार से ज्यूडिशियरी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका भी अतीत का एक लंबा इतिहास है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की जिंदगी बदलने का चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। ये उदाहरण उन्होंने सामने पेश किया कि संविधान में अगर धारा 370 जैसी गलत धारा थी उसको बदलना चाहिए, तो कश्मीर की बेहतरी के लिए बदल के दिखाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जिंदगी बदलना अर्थात किसान, युवा, गरीब, मजदूर सबकी जिंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, सुख का सूरज दिखे, इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी अपने आप में झांक के देखे जब वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का ही निर्णय रहा कि तीन तलाक जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस का अतीत रहा है जब आपातकाल जैसे खराब समय में उनने जिस प्रकार से जुडिशियली के साथ छेड़छाड़ की थी, अतीत का लंबा इतिहास है। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर इतने कहना चाहूँगा कि भाजपा सब वर्गों को विकास के लिए लेके चलना चाहती है और सभी लोगों की बेहतरी के लिए अन्याय अव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री की अत्यंत आवश्यकता है। इसी कारण से ये हम चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।